नमस्कार, स्वागत है आप सबका बिजनेस की आवाज में। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। कहा जाता है कि एक कामयाबियों का शोर है, इसे और बुलंद होने दो। जी हां, जब ऐसी आवाजें बुलंद हो जाती हैं तो बन जाती हैं बिजनेस की आवाज, क्योंकि एक ऐसा मंच जहां पर ऐसे बिजनेसमैन जो या तो कामयाब हैं या फिर कामयाबी से कुछ कदम और आगे बढ़ चुके हैं और उनकी जिंदगी को आपके सामने रखने का हम काम करते हैं। और आज भी इसी मकसद से छह ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, जिन्होंने ये बता दिया है कि अगर आपने करने की जिद है तो फिर जिद के आद के दुनिया भी नतमस्तक हो जाती है। तो क्यों ना सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दें उन तमाम खास मेहमानों से, उसके बाद अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी सफलता के पीछे श्रेय किसे जाता है, कुंजी क्या है, टारगेट क्या था, अचीव हुआ या अभी भी बाकी है। तो चलिए एक एक करके मिलवाता हूं मैं इन तमाम पैनलिस्ट से जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश वत्स साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर है पोकर टेम्पो के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। इसके साथ साथ कर्नल अजय कुमार वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी डायरेक्टर हैं पोकर टेम्पो के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शिवानी जून जी जुड़ी हुई जो कि फाउंडर हैं TLF मैगजीन की। शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रतीक कुमार राठी साहब जुड़े हुए हैं, फाउंडर नॉर्थवेस्ट के। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। विनय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CEO DNI ग्लोबल के। बहुत बहुत स्वागत है विनय शर्मा जी। और हमारे साथ नितिन खेमका जी जुड़े हुए हैं, को फाउंडर CEO स्टार्टअप स्पाइन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी नितिन जी। मैं एक एक करके आप, चूंकि तमाम दर्शक हमारे ये जानना और समझना चाहते हैं कि आखिर इन खास पैनलिस्ट को हम आज इस मंच पर बिजनेस की आवाज़, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर बिजनेस की बात नहीं होती, बात इसकी भी होती है कि आखिर कामयाबी कैसे हासिल की उन्होंने, आज उस मुकाम तक कैसे पहुंचे और चैलेंजेस क्या क्या हैं इनके सामने में। शुरुआत में आकाश वत्स साहब आपसे करना चाहता हूँ, जिस मुकाम पर आज आप हैं खुद को कैसे देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और किस ऊंचाई को छूना है, और साथ ही साथ जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है आकाश जी? मेरे लिए आई थिंक गुड इंटेंशन एंड पेशेंस, पेशेंस इज द की। वंस वी हैव अ ड्रीम, वंस वी हैव अ पर्पस, नेवर गिव अप, ऑलवेज गो फॉर इट। इवन दो यू फेल, यू एट लीस्ट गोना हैव अ सेटिस्फैक्शन that you tried to be successful. Kanil Ajay Kumar Vatsa, background aapka, jaisa hum naam hi le rahe hain Kanil, to aaj us mukam se khud ko ek director ek aise company mein jo ki business ke kshetra mein aage badh raha hai, kaisa mehsoos kar rahe hain sir aap? Bahut acha mehsoos kar raha hu main 32 saal Indian Armed Forces mein kaadat hone ke baad, और रिसेंटली अपने बेटे की कंपनी में डायरेक्टरशिप ज्वाइन किया है मैंने, और इस आशा के साथ मैं देखता हूँ कि आगे जाकर ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनेगी और उस पर सक्सेस हमारे आगे रहेगा। तो मुझे बहुत ही उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत ही तरक्की करने वाली है। शिवानी जी, हाँ जी, बहुत आपके प्रोफाइल पर जब हम स्टडी कर रहे थे, बहुत सारी चीजें आपने कर ली हैं, इसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या क्या अचीव किया है शिवानी जी ने। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यही है, आप जिंदगी के जिस मुकाम पर हैं, सफलता किस हद तक हासिल कर ली आपने, किस हद तक और आगे बढ़ना, और कितना सेटिस्फेक्शन इस वक्त मिल रहा है? काफी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फिलहाल, क्योंकि जैसे कि बोला आपने, मैं काफी चीजें ट्राई कर चुकी हूँ, और मतलब लॉयर थी, मॉडलिंग भी करी और अब बिजनेस शुरू करा जी। एंड आई थिंक सबको कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं जहाँ से वो आते हैं, और बट अगेन यू डू वांट टू अचीव सर्टेन थिंग्स एंड यू आर फोकस्ड ऑन इट, देन यू कैन अचीव दोज थिंग्स। तो मेरा भी हमेशा से फोकस्ड रहा है सारा माइंडसेट, एंड आई थिंक यही है कि जैसे बीइंग फ्रॉम हरियाणा एंड फ्रॉम अ जाट फैमिली, कंजर्वेटिव होते हैं हम, and again like you know you already know that people are from that Haryanvi background, people usually go into Olympics, but I took up a business background, so it was a little difficult in the start, but then slowly when I started seeing success, you know, when people started reciprocating in a good way and they thought that you know we have something to offer, so things when you see things started working out, then you get that kind of confidence ki ha hum aage badh sakte hain aur bhi zyada। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप 9 साल हो गया हमें, और अब आगे भी देख रहे हैं, लेट्स सी। और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, और खासतौर पर अगर वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको बता दें कि शिवानी जी बहादुरगढ़ से ताल्लुक रखती हैं,
और वहाँ से लेकर के इस मुकाम तक पहुँचना सफ़र जो 9 साल का जिसका जिक्र शिवानी जी कर रही हैं आसान नहीं है। इस सफ़र के भी बारे में बताएंगे कि अड़चने क्या क्या आई हैं। लेकिन प्रतीक कुमार राठी साहब, नॉर्थवेस्ट के बारे में बताएं सर कुछ आप। सर नॉर्थवेस्ट एज अ नेम सेज वी केप्ट अ ग्लोबल नेम। इट्स बेसिकली इन फूड एंड बेवरेजेस इज अ कंपनी। सो वी स्टार्टेड द आइडिया वाज टू पिक अप द ढाबा फूड फ्रॉम द हाईवेज टू सिटीज। वी पिक्ड अप द फूड फ्रॉम द हाईवेज सिटीज बिकॉज वी फेल दैट बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के पास में आप जाते हैं, आपके मूर्थल जाते हैं, जयपुर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। दे स्टे इन हैदराबाद, बैंगलोर, वेरियस अदर सिटीज ऑफ यू नो इंडिया। सो वी थॉट ऑफ पिकिंग अप दिस कल्चर फ्रॉम द हाईवेज एंड मिक्स इट विद द कैफे कल्चर एंड ब्रिंग इट टू द सिटी। एंड द अदर थिंग, द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग इट वॉज वेन वी आर डूइंग आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर फूड इंडस्ट्री, वी केम अक्रॉस दैट काफ़ी जितने भी फूड वेंचर्स इंडिया में हैं they are not very well educated about the food hygiene factor. And Indian consumers ke liye bhi aisa hota hai ki, you know, if the taste is good, they find that it's very hygienic. So that was a starting point to create a very hygienic culture in the food, bringing it a QSR model, clubbing it with the dhaba North Indian food. Vinay Sharma ji, ek taraf khane ki baat ho rahi hai, dusri taraf ab pani ki baat ho jayegi. तो ये सोच कब आई थी, किस तरह से इस पर सोचा आपने? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं जल ही जीवन है, लेकिन उस पर काम करना बहुत कम लोग सोचते हैं। पानी एक प्रायोरिटी बन गया है। क्लीन वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीड नाउडेज। एवरीबॉडी वांट इट एंड गुड अमाउंट ऑफ अवेयरनेस इज देयर। और हम लोगों ने बहुत छोटी शुरुआत करी थी। वी स्टार्टेड विद अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3M एज अ ब्रांड एंड देन वी बिल्ड अपॉन देयर ग्रेजुअली एज वी मूव फॉरवर्ड। किसी ने कहा है हो, कभी होना नहीं चाहिए, पर अगर भविष्य में कभी बड़ी कोई लड़ाई होगी तो वो ऑयल के लिए नहीं, वाटर के लिए होगी। वाटर इज सच ए बिग नीड। सो बीइंग इन वाटर इंडस्ट्री एंड हियरिंग ऑल दोज गुड थिंग्स, इट मोटिवेट्स। बिल्कुल। नितिन खेमका साहब, आप को फाउंडर हैं, सीईओ हैं स्टार्टअप स्पाइन के। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ क्योंकि आज की तारीख में तो स्टार्टअप के बारे में सबको जानते हैं, क्या आपने भी अपने करियर की शुरुआत या आपको भी लगा था कि स्टार्टअप के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए, या अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएं आप लोग? देखिए, मैं आई एम बिलोंगिंग टू वेरी स्मॉल एंड हम्बल फैमिली। मैं जिस विलेज से करता हूँ वो बहुत ही स्मॉल है। तो मेरी थिंकिंग स्टार्टिंग से यही थी कि लोगों को हेल्प किया जाए जो वहाँ तक, उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। तो वी फाइंड अ वन एरिया की जो टॉप और हीरो, दैट इज द फाइंड विद द कंसल्टिंग फील्ड इन स्टार्टअप। देन आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग इन द सेम डोमेन, देन आई स्टार्टेड टू हेल्प द स्टार्टअप एज ए स्टार्टअप स्पाइन। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, वी आर द स्पाइन, वी आर द बेसिकली द बैकबोन ऑफ द एवरी स्टार्टअप्स। वी हेल्प इन टर्म्स ऑफ द, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, मार्केटिंग, लीगल, लाइक दैट। तो मेरी मुकाम अभी जारी है लोगों तक हेल्प करना, हर एक वो बिजनेसमैन जो बड़ा करना चाहते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो इनोवेटिव सोच रहे हैं। तो क्या ऐसा, मतलब ये सोच क्यों, क्या किसी ने भी आपको पुल किया था आपको बिजनेस में, या आपको आगे बढ़ने में आपकी भी मदद की थी तो आपको लगा कि आपको भी ऐसा कुछ रिवर्ट करना चाहिए? जी, जैसे कि मैं कॉलेज स्टडी के दौरान ही मैंने फर्स्ट अपनी बिजनेस स्टार्ट की थी एज ए पार्टनरशिप, वेयर आई फील लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, जस्ट लाइक कि कोई मार्केटिंग में हेल्प नहीं कर पा रहा है, कोई फाइनेंस में हेल्प नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द स्मॉल बजट एज ए स्टूडेंट। तो मेरी शुरुआत वहीं, सोच वहीं से आई कि हमें भी उस लोगों तक को हेल्प करनी चाहिए, स्टूडेंट को जो एक इनोवेटिव सोच रख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए आकाश जी, एक सवाल आपसे मेरा, कि जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से ऐप को डेवलप किया, लेकिन सोच की बात आती है सर, कि वो सोच कब आई थी कि कुछ ऐसा करके दिखाना है? साकेत जी, एक्चुअली आई वॉज इन लास वेगस। लास वेगस इज नोन फॉर इट्स गैम्बलिंग एंड फॉर इट्स गेमिंग एंड सो आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड नेम एंड्रयू एंड ही वॉज अ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर एंड ही प्लेड इन वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर एंड ही वन वर्ल्ड सीरीज ऑफ ब्रेसलेट एंड ऑल दीज, यू नो, ही वॉज अ बिग हॉट शॉट पोकर प्लेयर। So he called me, Akash, let's go to India. And then we thought, we were sitting in my drawing room and we thought about making a, why not just take it online and just make it a global company. So we thought, okay, we had challenges ki chalo software ko lease kar lete hain. Then we saw the pros and cons of the software ki agar lease karenge to
उसमें इतनी सारी यू नो स्केलेबल मॉडल नहीं है, वो ज्यूरिडिक्शंस में रह जाएगा. तो देन आई थॉट ओके सी आई मेक, लेट्स मेक आर ओन सॉफ्टवेयर. सो हमने इन हाउस प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया. हमने फ्रॉम स्क्रैच हमने पूरा इन हाउस, वी टुक द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग द होल सॉफ्टवेयर फ्रॉम द स्क्रैच. सो वी देन फाइनली जब वो पूरा बन गया तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए. उसके बाद फिर उसमें कभी बग्स आ रहे थे, कभी बहुत सारे इश्यूज थे. देन वी फाइनली गॉट इट चेक्ड बाय यूके गैम्बलिंग कमीशन. उनके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड उनके कंप्लाइंसेज हैं. देन वी उन्होंने कहा कि आप उसको हाईटेक लैब में लेके जाइए, वहाँ पे हमने उसको पूरा आरएनजी टेस्टेड कराया. तो उस तरह के कई सारे चैलेंजेस आए सॉफ्टवेयर को बिल्ट अप करने में. बट वी थॉट अबाउट मेकिंग आवर ओन इन-हाउस सॉफ्टवेयर सो दैट वी हैव अ स्केलेबल मॉडल एंड वी कैन बिकम अ ग्लोबल कंपनी. अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक पिता के नाते जब इनकी तरफ से कहा गया कि ये वापस आकर के कुछ और करना चाहते हैं जो आपने सोचा नहीं था, कि जब इनको भेज रहे थे दिमाग में कहीं कुछ ऐसा था कि क्या करेगा नहीं करेगा? ऐसा कोई अड़चन नहीं था क्योंकि आर्मी की जो ट्रेनिंग मैंने ली है जी, तो नामुमकिन तो डिक्शनरी में है नहीं. कोई भी टास्क असाइन होता है तो हम आउट ऑफ वे जाके टास्क देते हैं. टास्क के लिए हम इवन सुप्रीम सेक्रीफाइस भी देते हैं, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा सिखलाई है कि भाई जान वर्क से बड़ा जान नहीं है, वर्क करना है. तो मुझे पूरा ट्रस्ट था अपने बेटे पे, जब इसने कोई थॉट दिया है तो नेचुरली ही विल बी सक्सेसफुल. बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं. और शिवानी जून जी, आपने जिस तरीके से हरियाणा का जिक्र किया है, थोड़े से मैं चुनौतियाँ भी जानना चाहूँगा. आई थिंक यही है कि जैसे कोई कोई चीज़ ट्राई करता है तो ही चेंजेस आते हैं. तो मैंने भी चीज़ें कुछ ट्राई करी हैं अपनी लाइफ में, फिर देखा है कहाँ मुझे सक्सेस मिलेगा. ऐसा नहीं है कि मुझे शुरू में ही श्योरिटी हो गई कि नहीं अगर मैं ये करूँगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी. बट ऐसे करते करते मुझे पता लगने लग गया कि नहीं, फॉर मी दिस सेक्टर ऑफ प्रोफेशन और दिस बिजनेस इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन टाइम. तो मैंने, क्योंकि मेरे आई एम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, मेरे चाचा डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन थे, तो मैंने उन्हीं को देखा है लॉ में. तो मैंने सोचा कि लॉ अच्छी रहेगी मेरे लिए. तो मैंने लॉ करी, LLM भी करी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जाके, और फिर वापस आई प्रैक्टिस करी दिल्ली हाई कोर्ट में. पर मुझे लगा नहीं कि वो मेरे लिए प्रोफेशन है सही. तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा क्योंकि शुरू से मुझे पता था कि कहाँ मेरा इंक्लिनेशन है ज़्यादा, और वो मुझे लगता था कि ट्रैवल में ज़्यादा है. And I am a passionate travel. I must have traveled around 20-25 countries by now. And मुझे लगा कि travel से कुछ शुरू करा जाए, लोगों को बताया जाए. शुरू में first 2-3 years तो हमारे पास clients भी नहीं थे. हम एक room में तीन लड़कियाँ बैठती थी, सारा content खुद लिखती थी. और धीरे धीरे, मतलब जैसे कि आकाश जी के साथ भी उनके पिताजी ने उन्हें help करा, वैसे ही मेरे ही मतलब हमें investment कहीं से मिला नहीं था शुरू में, तो मेरे पापा ने पैसे दिए. फिर धीरे धीरे 2 साल निकले, 3 साल निकले, डैड की तरफ से पैसे आते रहे, बंद नहीं हुए. मैगजीन जब शुरू होने लग गई, लोग आने लगे, अब हम गवर्नमेंट के साथ ही काम करते हैं. एंड जो भी कंट्रीज हैं जो इंडिया में चाहती हैं प्रमोशन अपनी, जैसे कनाडा है, US है, न्यूजीलैंड है, और इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाने का भी शुरुआत कर दी है हमने. इनक्रेडिबल इंडिया के साथ काम करा है रिसेंटली. कभी शिवानी जी कोई रोक टोक कभी ऐसे परिवार से या गांव वाले तो चलिए या समाज वाले तो सुनाते ही, हम लोग ने कई बार देखा भी है, लेकिन परिवार का सपोर्ट बहुत मैटर करता है. तो ये तो इसमें ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला. उनसे सपोर्ट मिला तभी मैं यहाँ आज बैठी हुई हूँ. और मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेशन था मेरा 2007 में, और मैं मॉडलिंग भी करती थी, पार्ट टाइम थी. बट वो भी जैसा कि मैंने कहा कि लॉ की तरह मुझे नहीं समझ में आया था कि मैं आगे लेके जा पाऊंगी. तो मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में शुरू से था. बिल्कुल प्रतीक जी, वो सोच जिसको लेकर के नॉर्थवेस्ट का जन्म हुआ, वो सोच कब, कैसे और उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ कब आपका पहला लगा? क्योंकि जब हम लोग भी सोचते हैं, कुछ नए थॉट्स आते हैं, फिर वो थॉट्स आते हैं कुछ पल के लिए, थोड़ा सोचा, फिर उसको स्टॉप कर देते हैं. लेकिन आपकी वो सोच कब आई और कब आपने फुल प्लान के साथ उस पर काम करना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है. बैक में जाना चाहूँगा बहुत. बचपन में, यू नो, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप,
I used to see my dad reading a lot of newspapers every day. So that was the starting point to be updated about the global affairs. तो जब पेपर पढ़ते थे उसके अंदर डेफिनेटली यू नो आई यूज टू स्क्रीन फॉर द बिजनेस न्यूज़ मोस्टली एंड आई वुड ट्राई एंड फाइंड प्रॉब्लम्स विद द व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड यू नो वन आइडिया दैट आई हैड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ माय एज प्रॉब्ली 15 इयर्स अगो फ्रॉम नाउ फ्रॉम हियर इज दैट व्हाई इंडिया डजंट हैव अ रीजनल एयरलाइंस और अभी जैसे आपने देखा इंडियन गवर्नमेंट ने incentivize किया है private airlines को उड़ान scheme के through where everybody is now getting into regional airlines. तो अब देख के ऐसा लगता है कि जो आपकी सोच है definitely is on the right track. I sacrificed myself going abroad for the job. Instead stood back and started thinking about what industry should I get into a startup sector. So this was happening while I was in the service sector. I was working with a private leading bank of India. और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी बिजनेस के लिए आपकी फाउंडिंग टीम बिल्कुल करेक्ट होना यू नो इट्स वन थिंग दैट यू हैव समथिंग इन माइंड एंड इट्स द अदर थिंग टू हैव अ एग्जीक्यूशन टीम ऑन द ग्राउंड सो इफ योर फाउंडिंग टीम इज नॉट पैशनेट इनफ फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर द बिजनेस देन योर बिजनेस वेंचर इज बाउंड टू फेल इन द लेटेस्ट स्टेजेस विनय सर जिस तरह की बातें हो रही हैं और अच्छा भी लग रहा है कि हिंदुस्तान के बेटे जब विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अक्सर तो हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ से पढ़कर लोग ये चाहते हैं कि विदेश में सेटल हो जाएं लेकिन अब वहाँ स्टडी करने के बाद लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं भारत के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ये बहुत ही एक अच्छी बात है और बिजनेस की आवाज़ का मकसद भी यही है कि उन बिजनेस मैन को सामने रखना उन बिजनेस पर्सन को सामने रखना जो हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं अपनी धरती के लिए कुछ कर रहे हैं मैं एक सवाल आपसे इंस्पिरेशन किस तरीके से मिली In 2008 and 9, there was a typical failure of a lot of financial industries which has happened. It's a cyclical process which happens every 8 to 10 years. It's nothing new in the US economy. And this uncertainty is still there, whether we study, educate, work, or whatever we do. So I thought, why don't I create an organization? Yes, it's going to, first of all, safeguard my interests, my family, my people, my kids and all. But it is an organization which is built by people. And today also, my people who joined me on day one, they are still my team. And no organization can be an organization without strong people. We are in a sector which is never going to go down. Water is reducing, but the need of water is increasing because our population is growing crazy. सो हम लोग अब इस सेक्टर को इस तरीके से काम कर रहे हैं हमने वाटर को ये नहीं कि हम टिपिकली वाटर ट्रीट कर रहे हैं बॉटल में डाल रहे हैं नहीं वाटर को जो ज़रूरत है वो बढ़ रही है वाटर के सोर्स कम हो रहे हैं तो हम अप टू सी वाटर चले गए हैं सो वी हैव रिसेंटली इंस्टॉल्ड सी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इन केरला वेर इन वी आर इन मिड ऑफ सी जो नियरेस्ट शोर है वहाँ से 4 किलोमीटर बोट से जाना पड़ता है और फिर वहाँ बीच में आइलैंड है वहाँ पर हमने सी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया है टू फैसिलिटेट अ रिसॉर्ट फैसिलिटी देयर यस टुडे टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट गुड कि वो सस्ता हो सके इट इज़ एक्सपेंसिव बट येस वी आर वर्किंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेकिंग वाटर अवेलेबल फॉर नेक्स्ट जनरेशन टू बी देयर मैं एक चीज़ और आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या कभी इस तरह के कोई कॉम्प्लीमेंट मिले आपको क्योंकि बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया आपने अचीव किया है क्या किसी ने आपको ये कहा कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मानवता के लिए I'll give you an example on ground. I belong to Baroda. In Baroda Municipal Corporation, we provide water by portable water vending machines all over the city. 45 degree की गर्मी में 9 degree का पानी लोगों को हमारे लोग provide करते हैं. वो 5 रुपए लीटर देते हैं. But that water quality का उसका जो standards है उस पे लिखा होता है, water cold होता है, उसका pH, TDS सब होता है. एकदम best quality water provide करते हैं. अब हम 5 रुपए में 1 लीटर वाटर अपने एक रीजनेबल कॉस्ट में बिजनेस मॉडल के हिसाब से करते हैं लेकिन हर रोज़ सुबह से शाम तक हमारे जो लड़के उन स्टेशंस को मैन करते हैं उनको लोग पैसे तो देते हैं लेकिन दुआएं बहुत देते हैं जो काम आप कर रहे हैं वो पूरे मानवता के लिए वो काम कर रहे हैं और आप इस चर्चा का एक हिस्सा बने इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी आप सभी खास मेहमान हैं लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो पूरी क्योंकि हम सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर पानी का वो सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोग तो कहते हैं कि समंदर है तो बहुत विशाल लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझा सकता लेकिन आप उस प्यास को बुझाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहते हैं हम आपको खेमका सर अब सवाल आपसे
कि जिस तरीके से आपने ये सोच रखी, सबसे पहले तो थोड़ा सा परिवार के बारे में भी जानना चाहूँगा मैं आपको कि वहाँ सपोर्ट किस तरीके से मिला, क्योंकि झारखंड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी झारखंड में एक छोटा सा ज़िला है साहिबगंज, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप, अब वहाँ से निकल कर के लोगों को बिजनेस के लिए आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको बताना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। जैसे मैं बताया कि मेरे फादर भी एक बिजनेसमैन है, दे आर रनिंग हिज बिजनेस, तो वहाँ से हमें मुझे इंस्पिरेशन मिले कि हाउ दे स्टार्ट बिजनेस एंड रनिंग सक्सेसफुल्ली। आज के दिन कोई भी स्टार्टअप्स को रन करते हैं, दे फर्स्ट लुक आउट द फंड्स। ये वहाँ से मुझे पता चला, लोग फंड्स की तरफ नहीं जाएं, लोग अपने बिजनेस की तरफ जाएं। जो लोग अपने कंसेप्ट दे रहे हैं वो कंसेप्ट को प्रूफ करें लाके कि हम लोग वहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स खुद आएंगे। हम लोग को एंटरप्रेनर्स लोग को कहीं अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसे डालना चाहते हैं, उनके पास फंड्स हैं, उनको खुद चाहिए कि मैं पैसे कहाँ डालूं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको अप्रोच करते हैं कि भाई मुझे फंड्स दे दो। तो दे इन्वेस्टर आल्सो क्लेवर, वो क्लेवर भी होते हैं और फियर भी लेते हैं, कि बहुत डरे हुए रहते हैं। दे आर लुक आउट इन्वेस्टर बाई एंटरप्रेनर बैकग्राउंड, प्रीमियम कॉलेज है कि नहीं है, वो सब छुपा लेते हैं कि चलो पैसे मैं लगा रहा हूँ तो वो डूबेंगे नहीं। तो सबसे पहला तो ये वहाँ से मुझे वाला कि आपके पास जो पैसे हैं आप उसी में बिजनेस कीजिए और सक्सेसफुल्ली रन कीजिए, ना कि लुक आउट कीजिए बाहर के पैसे को। क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले के आप जो भी बिजनेस एरा देखेंगे, कहीं कोई लुक आउट इन्वेस्टमेंट के नहीं करते थे। करेक्ट। उसके पापा या दादा स्टार्ट करते थे, पापा रन करते थे, एक्सपांड करते थे, उसके बेटे फिर ग्लोबली ले जाते थे। कोई भी आप हिस्ट्री ले लें, राइट नाउ सिचुएशंस क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, दे लुक आउट डर कुछ क्या करना है, जॉब करना है, जॉब से 8 आवर्स से वर्कआउट हो जाते हैं, फिर बिजनेस, चलो स्टार्टअप्स। वो स्टार्टअप्स आइडिया नहीं देखते हैं, वो पहले ये देखते हैं चलो फंडिंग कहाँ से मिलेगी। दे आर अप्रोचिंग द इन्वेस्टर्स कि चलो चलो उनके पास चलते हैं। वो ये देखते हैं कि अच्छा इस चीज़ की डिलीवरी नहीं हो रही है, उसको कैसे घर पहुँचाएं, उस पर स्टार्टअप बना देते हैं। सेम थिंग, जस्ट लाइक द कॉपी पेस्ट हो रहे हैं आज के दिन। जो भी आप बिजनेस ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजोन कॉपी पेस्ट, ओला ले लीजिए, उबर कॉपी पेस्ट। तो ही गिव अ वेरी गुड एग्जांपल दैट grandfather used to set up the business, father used to take it forward and kids used to take it to the world. Yeah. Right. किसी से पैसे मांगने नहीं जाते थे, कोई इन्वेस्टर ढूंढने नहीं जाता था। जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं वो एक थोड़ा रिवर्स मॉडल है हमारे यहाँ, जब वो धूप होती है तो अम्ब्रेला देते हैं, बारिश आती है तो छीन लेते हैं। सो वो बहुत पुराना बिजनेस मॉडल है। द फाउंडेशन विच यू मैंशन इज वेरी वेरी राइट। एज अ बैंकर आई विल से इफ द बॉटम लाइन इज नॉट करेक्ट ना, पैसे नहीं बन रहे हिंदी में, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपका एंड में प्लस में नहीं है जी, और वो बहुत समय तक प्लस में नहीं है तो व्यापार नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। सर ये बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट बातें हम लोगों ने अपने इस कार्यक्रम के पहले पार्ट में किया, और लगातार हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन किन चीज़ें और कौन कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी तक आई हैं, आगे भी आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। सफलता के बारे में तो लगातार हम बात कर ही रहेंगे। छोटे से ब्रेक लें, आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। के बाद स्वागत है आप सबका। बिजनेस की आवाज देख रहे हैं आप, लगातार आपको उन शख्सियतों से हम बुला रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है, और वो आपको बता रहे हैं कि आखिर वो कामयाब हुए तो कैसे, क्योंकि इनको सुनकर शायद आप भी अपने लिए कुछ सोच पाएं, अपने देश के लिए कुछ सोच पाएं। अब इस ब्रेक के बाद जब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा मकसद ये होगा कि इन तमाम लोगों से इनके बिजनेस के बारे में जाना जाए, समझा जाए। और आकाश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, पोकर गेम को लेकर के आप आए हिंदुस्तान में, एक ऐप आपने तैयार किया हिंदुस्तान में, लेकिन सवाल यही है कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में जो पोकर गेम को ठीक तरह से नहीं जानते हैं वो ये समझते हैं कि इट्स अ गैम्बल। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हिंदुस्तान में लाना और लोगों को समझा पाना आसान रहा क्या? डेफिनेटली नॉट,
because initially, just to differentiate between that, poker is not a gambling, poker is a game of skill. Because people think, okay, it's a card game, so that means it must be gambling must be involved. So poker is not gambling, poker is a purely skill based on mathematics, probabilities, and your pure intuition. So yeah, it was very challenging initially. लेकिन इसको जब आप हिंदुस्तान में लेकर के आए तो किस तरह के चैलेंजेस आपको लाने में जो लाइसेंस जो आपने हासिल किया उस कोई प्रोसेस उसका थोड़ा सा जिक्र चाहिए। देयर आर मेनी डिफरेंट गवर्नमेंट हु आर गिविंग लाइसेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, दैट लाइसेंस इज वैलिड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स असम एंड ओरिसा, दे वेयर दे कैन नॉट ऑपरेट, देयर यू हैव टू बार द यूजर्स फ्रॉम देयर आईपी एड्रेस who are coming from Orissa or Assam or Telangana. These three states are currently not allowing real money poker games. But yes, there are, we thought about this business because we thought about, initially my focus gave it to the other businesses to run across the globe. According to KPMG report, the poker market itself will become $1 billion by the end of 2021, just in India. So I thought, okay, let's go to B2C as well, rather than just going B2B and just giving software on lease. So there are many companies in India who are actually doing this, but they are doing it by, they don't have, they have their own software. So they are leasing the software from some London company or from Russian company, and they are running the show here in India. So we thought about making our own software so we don't face these kind of challenges of, you know, scaling the whole model. Because if you don't have your own software, you never know when the software company want to shut you down. You know, like, yeah. Or like, they're going to charge you more if you're making कितना, more revenue. कितना जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, आकाश जी, कि ये software आपकी lease पर नहीं लिया, आप लोगों ने किसी से भी चाहते तो ले सकते थे. इस software को तैयार करने में कितना वक्त लग गया? Almost 3 years हमें लग गए इसको खत्म करने में. I worked with many different programmers and computer scientists to finish the product. Because software has many different programming languages. It was a standalone software built from the scratch. So we had many different, programmers were needed in terms of PHP, .NET, we needed best, network engineers and graphic designers and, whatnot. Colonel Ajay sir, जब इस बात का जिक्र हुआ कि पोकर गेम को लेकर के एक ऐप तैयार करना है, उसको हिंदुस्तान में लेकर के आना है, और आपको इसकी भी जानकारी हुई कि इसमें कार्ड भी इन्वॉल्व है और ये एक तरह से गैम्बल भी है, टच इसको कह सकते हैं, उस समय आपका आपकी सोच क्या थी? नहीं, थोड़ा शुरू में थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हुआ था जी, फिर मैंने इसको रिसर्च किया जी, कि पोकर गेम है क्या. तो आकाश के दो फ्रेंड आए थे, एक तो एंड्रू लिंचनबर्ग हिमसेल्फ वर्ल्ड चैंपियन वंस अपॉन अ टाइम पोकर, और उनके साथ एक और थे मिस्टर डेविड ब्रोक. तो उनसे मैंने डिस्कशन किया, काफ़ी समझा किया है क्या. देन आई स्पोक टू माय वन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर पांडे, इज अ लीगल एक्सपर्ट, वी व्हाट इज दिस. उन्होंने मुझे समझाया कि सर, पोकर गेम इज अ गेम ऑफ स्किल, हैज बीन प्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो इट इज नो मोर गैम्बलिंग. उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि चलो, आई विल सपोर्ट माई सेल्फ टू बिल्ड दिस गेम. उसके बाद इसको मैं सपोर्ट करना शुरू कर दिया. शिवानी जी, आपका प्रोफाइल जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो पता चला कि आप रिस्क तो लेती हैं लेकिन डरती भी हैं. आई थिंक इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डर सब में होता है जी. प्रोबेबली मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मैं फेयरफुल हूँ कुछ चीज़ों में. तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कोई नई चीज़ ट्राई करी है, कोई चैलेंज आया है मेरे, तो नेचुरल है कि मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी. तो आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम दैट थिंग इन मी, कि जैसे बिजनेस तो अब चल गया तो उससे कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, यू कैन डू सर्टन थिंग्स इन लाइफ एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल, सो इट्स ऑल फाइन. बट अगेन यू कांट बी श्योर about, so it's overall thing that I was telling you about, that it's not just professionally, also personally also. And like we were discussing earlier, we got full support from my family, and my dad was investing in my business. In the start paisa ja raha tha, aa kuch nahi raha tha. At least for 3-4 years we did not even break even. I think in four and a half years hum logon ko paisa aane laga. But ha, challenges shuru mein yahi the ke 20-25,000 copies har mahine chhapna difficult था. तो जो पैसा डल रहा था
वो सारा प्रिंटिंग में जा रहा था. फिर धीरे धीरे जो जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट से हमें हेल्प मिली और इनक्रेडिबल इंडिया, और धीरे धीरे हम लोग मध्य प्रदेश टूरिज्म को करने लगे प्रमोट, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने लगे कि आप फॉरनर्स आइए तो एमपी में आप ये जगह हैं जो आपको अच्छी लगेंगी. और मुझे ये लगता है कि ट्रैवल टूरिज्म बहुत बड़ा, लगता नहीं मतलब ये फैक्ट है कि बहुत बड़ा सेक्टर है जो इंडिया बहुत अर्न भी कर सकती है. इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, इट्स सो रिच, द काइंड ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर वी हैव, बट इसको अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं करा जाता इंटरनेशनल लेवल पे. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रतीक जी, थोड़ी देर पहले विनय जी से बात जो हो रही थी उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि जी जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे वहां पर वो एक माहौल बन गया था कि कभी भी नौकरी जा सकती थी जी. क्या आपकी भी ये सोच थी कि नौकरी करने वाला मत बनो, नौकरी देने वाला बनो? राइट. और नॉर्थवेस्ट का जन्म क्या एक इस सोच के तहत भी हुआ? डेफिनेटली, डेफिनेटली. द इंटेंशन वॉज टू क्रिएट, टू पिक अप अ प्रॉब्लम इन इंडिया, हैव अ स्केलेबल मॉडल. And during this journey, definitely, if you have created a model, you cannot run this thing alone. You need to have a lot of people believe in you and join you, and you have to give them, employment also. There's a very interesting fact from India. Is India is going to be 1.5 billion number of people country by 2035. Is going to surpass China. There's a huge opportunity that India can be a global workforce provider. आपके पास workforce है, enough jobs नहीं है. आपके पास jobs हैं but workforce भी है, but वो educated नहीं है, उनको vocational training नहीं मिलती है. We understood that there are IHMs in India for the hotels, but there are no restaurant management or restaurant training institutes. It's only recently they have started coming up. So now we are working with the government of Telangana. We had, in talking terms with a lot of institutes in Hyderabad also. And when we talked to other restaurant owners and the bars and pubs and all, we found that everybody is basically struggling through the same, because of the same problem, that they do not get educated and skilled youth to work in the industry. So the idea, apart from running Northwest as a brand, which is selling food, we have our internal training institute also. चलिए ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी. और विनय जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि जब आप समंदर के पानी को पीने लायक बना रहे हैं तो वो पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है और किस तरीके से इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं? और देखिए, पानी का ग्राउंड लेवल अगर आप अपने आस पास हर इलाके में देखें तो कभी 50 फुट के बोर करके पानी आ जाता था. वो पानी इतना अच्छा होता था कि उसको घरों में लोग मटके में भर के रखते थे और वो छन्नी कपड़े से छानते थे और वही पीते थे. अगर आप पुराने जमाने में देखें, आज की डेट में आप जहाँ 50 फुट था वहाँ 500 फुट भी बोर करेंगे तो पानी नहीं आता है, बिकॉज वाटर टेबल नीचे चला गया है. और वो उसका कारण ही है कि हमने ही पोल्यूट किया है, हमने ही खराब किया है. जो वाटर है वो सोर्स सी हो या रिवर हो या जो भी हो, उसको गवर्नमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके आसपास इस तरीके से होना चाहिए कि वो प्रॉपर ट्रीट हो के आदमी को बेसिक नेसेसिटी के लिए फ्री हो. तो उसके लिए जैसे अभी आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द स्पीचेस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर सेइंग कि अगर होता है तो भारत में एक वाटर की मिनिस्ट्री बनेगी. वो वाटर की मिनिस्ट्री लोगों को फ्यूचर में फ्री पानी और ये सब प्रदान करेगी. उसके आसपास ये अच्छी बात है, दिस इज अ गुड थिंग विच इज स्टार्टिंग एंड देयर पुटिंग ए फ्रेमवर्क अराउंड. सोच तो हो रही है, लेकिन एक बात समझिए, आज किसी भी हमारा गवर्नमेंट के साइट पे हम रजिस्टर करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, क्या प्रोडक्ट है आपका, आप कपड़े बेचते हो, साबुन बेचते हो, ये बेचते हो या वो करते हो. उसके बाद वाटर के लिए अदर्स में हमको जाके लिखना पड़ता है वाटर ट्रीटमेंट. अभी तक जो कि हमारी बेसिक चीज है वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं थी, अब एटलीस्ट वो आ रही है. सी वाटर ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव मतलब बिल्कुल उसको चलाना, उसको लगाना, उसको मेंटेन करना बहुत महंगा है. लेकिन वो हमारी भारत सरकार जिसके पास 417 बिलियन कैश रिजर्व है आज की डेट में, वो भारत के हर कोने में एक एक भी लगाए ना तो भी उनको एक ऊंट के मुंह में जीरा टाइप भी नहीं होगा, इतना भी नहीं है वो. अभी माई गुजरात गवर्नमेंट इज डूइंग ए वेरी वेरी नोबल थिंग. वी हैव ए मीटिंग विद द स्टेट नेक्स्ट वीक. देयर आर 7 desalination plants proposed by government on a hybrid annuity model. और एक desalination plant जो है 50 MLD का, वो करीब 500 crore का है,
उसमें गवर्नमेंट इज गिविंग 40% एंड 60% वी हैव टू ब्रिंग फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और वेर एवर एंड दैट 60% फॉर अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट इज गिविंग अस 25 ईयर ऑफ टेक अग्रीमेंट एंड दैट 25 ईयर ऑफ टेक अग्रीमेंट में आपको उस पैसे को रिकवर करना है. अच्छी शुरुआत है बट ये और भी इम्प्रोवाइज होना है. तो सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, कोई भी वाटर हो, वाटर नीड टू बी ट्रीटेड एंड प्रोवाइडेड इट एट नो कॉस्ट टू पीपल एटलीस्ट टू फुलफिल देयर ड्रिंकिंग नीड. इन बातों से एक चीज तो है कि जो विनय जी ने इस बात का जिक्र किया कि अगर पानी नहीं है और लेवल लगातार कम हो रहा है तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं. तो सिर्फ बिजनेस की आवाज़ का मकसद ये नहीं है कि आपको सक्सेसफुल कैसे होना है इसकी हम बातें बताएं, ये भी कोशिश है कि आप भी जागरूक हों और हिंदुस्तान के लिए, अपनी धरती के लिए कुछ ना कुछ आप नोबल करें. नितिन खेमका साहब, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोग अब स्टार्टअप की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, आपकी कंपनी और आप खुद उनको ये बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में और मौजूदा सरकार में क्या थोड़ा सा बूम मिला है इस चीज़ को? जी, बहुत अच्छा बूम मिला है. जे आप पहले जो लोग सोचते थे बिजनेस करना टफ है जी, और बिजनेस को इंडिया से बाहर ले जाना और ज़्यादा टफ है, वो इजी हुआ है. आज के दिन स्टूडेंट भी बिजनेस कर रहे हैं, पहले आप नहीं देखते थे. आज के दिन गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट कर रही है. अगर आपको लोन लेना है, आपके पास पैसे 10 लाख तक नहीं है तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं, MSME लोन है, स्टैंडअप लोन है, हर तरह से लोन की सुविधा दे रही है. लीगल की जितनी गवर्नमेंट फी थी वो कम हो गई है, रजिस्ट्रेशन चार्जेज ऑलमोस्ट फ्री हो गए हैं. ये सब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर बिजनेस को लेके, कि इंडिया के लोगों को जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मिले और बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग अपने प्रोडक्ट और आइडिया को ऑन बोर्ड कर पा रहे हैं इसी के कारण, जिसके कारण आप देखेंगे टेक्नोलॉजी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है और लोगों को सुविधा में बहुत हेल्प मिल रही है. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुके हैं, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ये समझेंगे कि इनके बिजनेसेस के जो चैलेंजेस रहे जिनको पार करके ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी चैलेंजेस की कमी नहीं है, बहुत चैलेंजेस अभी भी ये फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद. के बाद स्वागत है आप सबका, बिजनेस की आवाज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिजनेस में रिस्क भी है तो कामयाबी भी है, रिस्क के बिना शायद कामयाबी अगर आपको मिल भी जाए तो उसका वो मजा नहीं आता, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं बिजनेस को शुरू करने से लेकर के जब आप लगातार बिजनेस को आगे बढ़ाते जाते हैं तब भी चुनौतियां आपको लगातार उनका सामना करना पड़ता है. और सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से आप सबका स्वागत. और इसमें मैं आप लोगों से चैलेंजेस तो पूछूंगा ही, लेकिन आप लोग भी ओपन हैं डिबेट के लिए, अगर आप लोग बीच में भी इंटरप्ट करके किसी तरह के डिबेट की बात या फिर चैलेंजेस की बात करना चाहते हैं तो यू पीपल आर फ्री. आकाश वत्स साहब, मैं शुरुआत आपसे एक बार फिर से करता हूं. इस वक्त जो अहम एक चुनौती आप देख रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, वो क्या है? सी, वी आर अ प्रोडक्ट रेडी कंपनी. एज वी ऑल नो, वंस द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, द बिगेस्ट थिंग इज टू मेंटेन द प्रोडक्ट एंड टू market the product. And to maintain the product and to market the product is the phase where you need a lot of funds, you know, so that you have a best of engineers still staying with you to, you know, to maintain the product. And you have, you know, you have to attract a lot of different new users, you know, to come down and use your product. You have to basically reach out to them. So both needs a lot of funds. So we are looking for, you know, good investors who can, you know, join the team and become part of our company. Yeah. इसमें सुधार की भी लगातार बात आती रहती हुई, क्योंकि सॉफ्टवेयर जिस तरीके से हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया आपने और बस छोड़ दिया, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ बिग इशू. एंड प्लस, यू नो, ऑल द टाइम, सी, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज चेंजिंग वेरी फास्ट, सो वी हैव टू कीप अप विद द न्यू फीचर्स एंड द फंक्शनैलिटीज इन द सॉफ्टवेयर. And we have to sometimes even change the programming language because sometimes that program that is not really compatible with the new device. So we might have to change and use a different
programming language, or we might have to just, you know, make the codes more dynamic in order to make sure that everything is compatible according to that new device which has been launched in the market. So all these challenges we face till this date, and I'm sure it's a lifelong process. Bilkul. Till the time you want to do business, challenge is the second name. अजय जी, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ. डायरेक्टर तो आप हैं ही, डायरेक्टर के साथ साथ उसके कुछ अलग चैलेंजेस भी हैं, लेकिन आकाश वत्स के फादर के तौर पर भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर आकाश भी अगर थोड़े से किसी तरीके से परेशान हैं या बिजनेस उस तरीके से नहीं उठा, तो वहाँ पर दोनों किरदार आपको निभाने होते होंगे. दोनों चैलेंजेस बताइए कैसे हैं. ये तो चैलेंज कई बार आया है जी, एक समय के बाद पेशेंस लूज होने लगता है. ये बट नेचुरल इंसान की ये फितरत है, कोई काम कर रहे हैं और उस डिजायर सक्सेस नहीं मिलता तो थोड़ा पेशेंस लूज हो जाता है. तो उस समय मैं इसको मॉरल, इसकी मॉरल बूस्टिंग का काम करता हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन दैट. आई ऑलवेज बूस्ट माई मॉरल ड्यूरिंग माई आर्मी टेन्योर, एंड इतनी एक्सपर्टीज है कि हम जवान को इतने मोटिवेट करते हैं. He can sacrifice his life in a war. बिल्कुल, बिल्कुल. Because उसी तरीके से मैं इसको motivate करता रहता हूँ. बीच-बीच में low होता है, मैं इसे low होने नहीं देता. Because law of encouragement. Challenge is सफलता ही सफलता की कुंजी है. He's very lucky. His father is right beside. Yes. The best support. असफलता ही सफलता की कुंजी, बहुत बड़ा saying है. अगर आप असफल है होते हैं तो अभी आपके मन में दृढ़ता आती है कि नहीं, सफल होना है. So very true. तो ये इस और वो बैटमैन मूवी में है ना, कि उस वो जब वो नीचे गिर जाता है, जब वो जल के नीचे, तो he asks his attendant कि why do we fall to rise again. So जो गिरा है उसके नीचे तो अब कैसे गिरेगा, उठना ही पड़ेगा ना. वाक्य सुनाता हूँ. तो फौज में यही सिखाया जाता है कि भाई जवान से पहले ऑफिसर जाएगा ताकि जवान का हौसला हमेशा बढ़ा रहे. तो वही काम मैं करता हूँ आकाश का. ऑलवेज आई लीड टू फ्रंट, डोंट वरी बेटा, आई एम देयर. बिजनेस में हो, चैलेंजर नेवर फिनिशेस, इट विल कीप कमिंग एंड यू हैव टू कीप फेस एंड कीप सॉल्विंग इट. सो दैट सैटिस्फैक्शन इज देयर, दैट विल बी देयर. दैट सैटिस्फैक्शन नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम मी फ्रॉम हियर ऑन. बिजनेसमैन की महीना खत्म होने पे सैलरी नहीं आएगी जी, उसे सैलरी देनी है. दैट इज अ बिग चैलेंज, हमें सैलरी देनी पड़ती है. अटैचमेंट भी बढ़ जाती है जब आप अपना खुद का काम कर रहे हो. ये भी एक अपने आप में एक चैलेंज है कि आपका दिल नहीं करता कि छोड़ के वो चीज जाओ, अगर दिखता भी है कि लॉसेस हो रहे हैं. बिजनेस एक मूविंग रिवर की तरह होता है. आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 साल चला लिया, 15 साल चला लिया, उसके बाद आपको एक्सपैंड नहीं करना है. हम ऐप लाना चाहते हैं, ट्रैवल ऐप TLF को लेके, कि प्रिंट मैगजीन है, डिजिटल है, बट एक ऐप भी आए जिसपे सब कुछ हुए. आप क्योंकि फोन्स का इतना क्रेज है आजकल, सबके पास फोन्स हैं, सब कुछ फोन पे होता है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू यू नो टेक TLF टू एन इंटरनेशनल लेवल, मे बी ओपन एन ऑफिस इन UAE विद 9. सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी वुड वॉन्ट टू डू. कुछ चैलेंजेस तो होते हैं जो आपके बस में है, कुछ इस तरह की भी चीजें आती है जहां पर आपको डिपेंड करना पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद होता हो. या श्योर, इस तरह की चीज. इफ यू आस्क मी व्हाट इज माय स्ट्रेटजी फॉर द ग्रोथ, दिस वी हैव अ मल्टी स्ट्रेटजी थिंग्स इन आवर बिजनेस. सो वी आर मल्टी फॉर्मेट. वी नेवर सेड दैट वी विल बी ओनली ऑनलाइन, और वी नेवर सेड दैट वी विल बी ओनली ऑफलाइन. सो वी आर मल्टी फॉर्मेट कंपनी व्हिच इज सेलिंग फूड वाया डिफरेंट चैनल्स, हाइब्रिड चैनल्स. Just to get deep into this thing, we have service outlets, we have our cloud kitchens, service outlets and restaurants, and that too not huge restaurants, only 60-seater casual cafes serving North Indian food. Now these are placed across various places of India, various places of a city. We are there in high street, we are there in a mall, we are there in a corporate food sectors, and we are there in residential society as cloud kitchens. We don't leave anything. Probably sooner we're gonna come in the airports also. And then we are also selling food via third party apps. The challenge over here is, again, you know, just one challenge I want to say, when you're banking upon these third party, initially they came and they said, okay, we're gonna increase your business, your reach would be to millions of people. But then the intention for these people is also to make commissions and be profitable for their investors. The commissions are going skyrocketing high.
Now, I can't sustain, or we as an industry, food industry, cannot sustain on these kind of commissions. The challenge for me is to foresee this is going to come back to us tomorrow by, you know, all these Swiggy's, Zomato's charging 30 or 40 huge commissions, and we'll be actually working for them and earning profits for them. So we have to build our own delivery apps. We have to, create that kind of sustainable model that will be relevant in the industry for a long time. You know, all the industries have to go through this kind of, change in their strategies. And if they do not do that, I mean, the largest corporations have gone down, namely BlackBerry, probably Xerox, Nokia, you know, so many companies are the examples. So this is one of the challenge. आपको अब किस तरह के चैलेंजेस मिल रहे हैं? बहुत चैलेंजेस तो आपने फेस कर लिए, अब अगला लेवल चैलेंज का क्या है? चैलेंज तो अभी चालू ही है, कुछ खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि वाटर तो अभी एज आई सेड की जरूरी चीज है, ये चीज समझ में अभी आई है. और पानी कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट का काम करना आसान नहीं है क्योंकि यू नीड टू हैव ए प्रोफाइल. सो पहले 4-5 साल प्रोफाइल बनाई, कंपनी को उस लेवल पे लाए, अब बिड करना है. बिड करेंगे, प्रोजेक्ट मिलेगा. अब वहाँ पे बिडिंग भी ऐसा नहीं होता है कि आप जा रहे हैं, आपके लिए बैठे हैं, आइए भाई. सो यू हैव टू बिड इट, यू हैव टू बिड कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू बिड द प्रोजेक्ट, यू हैव टू विन द प्रोजेक्ट. एंड व्हेन यू विन द प्रोजेक्ट फिर नई चीज़ शुरू हो जाती है, दैट यू हैव टू गिव ऑल सिक्योरिटीज, बैंक गारंटीज एंड ऑल. अब दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट स्मॉल, नॉर्मल प्रोजेक्ट साइज इज 15-20 करोड़. अब उसकी सिक्योरिटी है जो वो हो गई 2%, पहले वो लाओ. फिर आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई फंडिंग नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. यू हैव टू गो टू योर बैंक, यू हैव टू हाइपोथिकेट योर प्रॉपर्टी, और यू नीड टू गिव वॉट एवर रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, एंड यू नीड टू रेज द फंड्स. बिकॉज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो हैं उसमें स्टेजेस पे पैसे मिलते हैं. आपको वो स्टेज तक आना पड़ेगा, बिल सर्टिफाई कराना पड़ेगा, ओके करके जमा करना पड़ेगा. जब वो ओके होगा तब आपको पैसे मिलेंगे, जब तक नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा. तो इसलिए क्या चैलेंजेस ये हैं कि वी आर बिडिंग फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स, वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क. वी आर करेंटली ऑलमोस्ट वर्क इन हैंड ऑफ अराउंड 135 करोड़, एंड वी आर टारगेटिंग टू बी अ कंपनी ऑफ 1,000 करोड़ बाय 2022, एंड वी विश टू गो बाय 2022 or 23 mid public. Challenges are as same, जो सभी कह रहे हैं कि challenges is easy money real business को नहीं मिलता. जब तक आपका वो Uber, Ola या वैसा model है नहीं है, तो आपको investors भी आके एक different तरीके से scan and scrutinize करेंगे, तो वो आप उस मॉडल में फिट नहीं बैठेंगे. तो व्हाट वी आई गॉट फॉर्चुनेट, आई गॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर. ही इज फ्रॉम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, ही इज बैकिंग मी विद लॉट ऑफ कैपिटल. ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सो वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो ही इज बैकिंग, एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल इंडिया. प्रोबेबली आवर गोल ऑफ रीचिंग अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन इन 1,000 करोड़ प्रोबेबली will be successful because my partner is very strong. We recently made a consortium of one of the companies based out of Singapore and one company based out of Spain. It is Cobra, which is one of the top 10 companies in the world, 35 billion ki company hai. So we are making a consortium, we are bringing them to India, and we are bidding for a desalination project here. जी, अब चैलेंजेस को लेकर नितिन खेमका साहब आपके सामने, और स्टार्टअप की बात तो हर कोई, लेकिन बहुत सारे और भी पहलू होते हैं जिनके बारे में शायद लोग जानते नहीं. कुछ मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोग और कुछ जान पाएं. ये बिजनेस कर रहे हैं, चैलेंज तो आएंगे एवरी स्टेप्स में. व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसका बिजनेस कैसे करना है, रोड मैप बनानी जी, तो चैलेंजेस आते हैं. मेरे जो चैलेंजेस रहे हैं, पहले तो टीम बनाने में, क्योंकि जैसे मैं बताया कि मेरे पास, मैं कंसल्टिंग सर्विस देता हूँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, कंपनी सेक्रेटरी की टीम. राइट नाउ वी आर सर्विंग द पैन इंडिया लेवल, बट वी आर आल्सो प्लानिंग टू अदर कंट्री लाइक द इंडिया. सी वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इन UAE, US एंड UK. तो अभी मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं UAE में, जब हम ऑलरेडी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं UAE में, तो वहाँ पर भी मेरे संग सेम चैलेंजेस आ रहे हैं टीम को बनाने में, क्योंकि वहाँ की लॉ अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग है, वहाँ के कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस अलग है.
तो इस टाइप से चैलेंजेस हमेशा आते हैं. मतलब हम लोग जब एक्सपांड करते हैं वन सिटी टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर, पहली ये एक्सपांशंस में, फिर हर एक पहलू में आती है, मार्केटिंग्स में आ जाती है कि हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे बात जो हम काम कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं वो लोगों तक, और लोग जानेंगे कैसे, क्योंकि आज के दिन मीडिया बहुत है, यूट्यूब है, डिजिटल मीडिया, फेसबुक है, लिंक्डइन है, टीवी है, प्रिंटिंग मीडिया है, तो हर एक जगह हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, तो उसमें भी बजट्स की प्रॉब्लम्स आ जाती है. एक सही बजट में सही जगह पहुंचाएंगे कैसे, ये सब चैलेंजेज हैं. फिर आ जाती है मतलब लोगों को, हम लोगों को समझाने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. जैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप जानते हैं स्टार्टअप इंडिया क्या है, रजिस्ट्रेशन, लेकिन आप लोग खुद स्टडी नहीं करते हैं स्टार्टअप इंडिया. आप किसी के पास जाने तक वेट करना चाहते हैं कि हम किसी के पास जाएं वो बताएं. आज के दिन सारे इन्फॉर्मेशन गूगल में अवेलेबल है. तो इतना सिंपल नहीं है, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करना बड़ी लंबा प्रोसेस है, इंक्यूबेटर, ये यू आर प्रोवाइडिंग, बट सी वही तो बात है, दुनिया में कहीं और स्टार्टअप्स करते हैं वो इतना सारा लंबा प्रोसेस नहीं है. इट्स नॉट वेरी टीडीएस प्रोसेस, देर आर सिंपल स्टेजेस, यू नीड टू रजिस्टर, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑनलाइन एंड ऑल. यहाँ तो समझ ही नहीं आया अभी आधे लोगों को, आप लोग अगर सेल्फ स्टडी अपनाएंगे तो आप लोग अपने फील्ड में हीरो जरूर बनेंगे. लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लोगों को भी मैं देखता हूँ लोग बहुत फेस चैलेंज करते हैं. पढ़ लिया, समझ लिया, अभी प्रोसेस है, फाइल करना है. अभी जैसे स्टार्टअप के लिए तो आपको आप किसी साइट पे जाके डायरेक्ट स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. और फिर उसका स्टार्टअप की गवर्नमेंट की साइट है, हम लोग को भी करना है तो हम लोग वहीं पे जाते हैं. अच्छा, मैंने किया था ये सब इजी प्रोसेस है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हम लोग भी अभी तक बहुत बैक हैं, खुद से समझना नहीं चाहते हैं, खुद से खुद हेल्प नहीं करना चाहते. सो आई हैव अ डिफरेंट व्यू. स्टार्टअप्स के पास में जल्दी पैसे नहीं होते इतने, सब कुछ कंसल्टेंट को हायर करने के लिए, सो वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं. यहाँ पे कंसल्टेंट्स कब कब आते हैं, जब यू कांट डू एवरीथिंग योरसेल्फ, राइट, आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज चाहिए, तो तब जाके कंसल्टेंट्स की हेल्प होती है. अभी so that's my view. I mean, ऐसा नहीं है कि मैंने तो किसी स्टार्टअप को नहीं देखा कि जो खुद नहीं करना चाह रहा और कह रहे कि मैं कंसल्टेंट्स के पास जा रहा हूं. Both stories are there. But not capable. Because they because of the reason they are very frugal with the money. That is the reason. Nothing else. So I tried understanding can we get a startup because we were less than 5 years, few years back. So then I said it's too tough. So we gave up. Gave up. वो एक फार्स है. मतलब आप स्टार्टअप का सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास में, उसके बाद में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी. हमारे पास है, हमें उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा. हाँ, वो बिल्कुल है, काम करने तो पड़ेगा. 59 लोन मिनट स्कीम है गवर्नमेंट की. आप 59 मिनट्स में लोन अप्लाई करें, वर्किंग कैपिटल लोन जो भी है. एक घंटा आप यू स्टार्ट अपलोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, राइट अबाउट योर बिजनेस, यू डू इट, सैंक्शन लेटर भी उसमें अप्रूवल भी आता है, देन यू हैव टू चूज अ बैंक. उसके बाद सारा ऑफलाइन प्रोसेस है. गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं बट इफेक्टिव नहीं है. बट अगर आपको ऑनलाइन वो अप्रूवल मिल गया तो बैंक इज गिविंग यू द मनी. बैंक इज अगेन, यू हैव टू कैरी ऑल द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स टू द बैंकर एंड अगेन ही विल टेक यू नो ही विल आस्क ऑल द क्वेश्चंस एंड ही विल वुड वांट टू हैव अ कोलैटरल. Without collateral, nobody is giving money. Yes, in the that is what is happening. Yes, also. Yes, yes. I don't know why, but Nitin ji, startup के अलावा आप जिक्र कर रहे थे कि stand-up भी हैं और MSME भी, जिस तरह की चीजें हैं, अगर आप चलते चलते उसका भी एक जिक्र. Stand-up India loan basically ये 10 lakh to लेके 1 crore तक है. ये basically STSC या women entrepreneurs के लिए बैंक के द्वारा ही लोन मिलती है. अगर आप startup India recognize है तो आप easily apply कर सकते. तो मतलब ये सब MSME is a very good thing for Ministry of Micro and Small Enterprises. इसमें भी आप एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो आपको बैंक लोन इजीली अप्रूव कर देते हैं. आपको कोई भी जैसे आप टेंडर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप 270% तक गवर्नमेंट फी लोन ना भी दे बैंक और माफ भी ना करे तो बिड नहीं लगती है. ये सब सारे सुविधा गवर्नमेंट ने ये सब प्रोजेक्ट्स के द्वारा इनिशिएटिव के द्वारा दी है. इवन ईएमडी नहीं लगता. हां ईएमडी नहीं लगता, वही बोला एमएसएमई को टेंडर में टेंडर ईएमडी नहीं लगता. ईएमडी कुछ नहीं लगता, ईएमडी एग्जम्प्टेड है. दैट इज अ वेरी गुड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट. ईएमडी एग्जम्प्टेड है एमएसएमई, मतलब जितने भी जेम के टेंडर है उसमें तो सब में ईएमडी एग्जम्प्टेड है, टेंडर फीस नहीं है. लोग सोचते थे यहां पैसे लगते हैं, अप्लाई करें कि नहीं करें बिडिंग. आज के दिन फील फ्री हो गया अप्लाई कर. तो आप वुमेन के लिए कुछ बताएंगे?
कि क्या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए? हाँ, अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और आप स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं तो आप स्टैंडअप इंडिया लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी खुद की पोर्टल से आप स्टैंडअप इंडिया लोन की वेबसाइट पे जाइए और खुद से अप्लाई कीजिए। चलिए, तो आप सबसे मिलकर, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिजनेस की आवाज़ हैं आप, और उम्मीद हम करते हैं कि आप लोगों से इंस्पायर होकर और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और नाम कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आपसे वादा है कि ऐसे हीरों को हम लेकर के आएंगे, ऐसे नगीनों को आपके सामने हम लाते रहेंगे बिजनेस की आवाज़ के जरिए, जहाँ आप उनको सुनकर ये महसूस करेंगे कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आज की पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।